सभी को जय श्री राम। गुरुदेव को चरण वंदन। और तुफेल दादा ने जो हम सब लोगों को एक और यहाँ मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा की सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने यही एक चीज़ सिखाई है कि मतलब दो चीज़ों पर खास दादा की तरफ समर्पण है। पहला तो ये कि दादा और यति जी का एक बहुत कॉमन है कि अपना हिंदू है, कैसा भी है अपना है, उसके चक्कर उसकी आलोचना विलोचना द्वेष इस चीज़ में ना फंसकर अपना जो काम है, जो हमारा असली टारगेट है, जो शत्रु है, उसकी तरफ ही ध्यान रखना है। और दूसरा कि अपने हिंदू का सहयोग करो, कैसे भी करो, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है कम से कम उतना तो करो। गुरुजी ने बताई दिया और भी लोग आएंगे, जो मूल समस्या है उस पर सभी लोग अपना रोशनी डालते रहते हैं हमेशा, जो एक इस्लामिक आक्रांता है उनके लिए। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो वो भी बात यहाँ तक पहुँचनी बहुत आवश्यक है। ये तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं ना, उनकी बहुत समस्याएं हैं। हकीकत में हम लोग कुछ भी नहीं करते, वो लड़के वो बच्चे वो बहनें ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए सोचते हैं तो पता चलता है क्या अभी भी उस स्थिति में ये लोग काम कर रहे हैं। और उन सब का साथ देने के लिए दादा तो है ही हैं। और दूसरा नाम जो मैं अक्सर आता है वो धर्मांश फाउंडेशन उमेंद्र भैया का, जिन्होंने खुद मेरे से कई बार बोला कि भाई अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति 10-20 हज़ार रुपए के चक्कर में परेशान है तो आंख बंद करके तुम लोग मेरा नाम ले सकते हो, उसका सहयोग पहुंच जाएगा। तो फिर दादा ये काम करते हैं। लेकिन आज यहां से मैं अपने जो नॉर्मल कार्यकर्ताओं की तरफ से जो पीड़ा आज बोलना चाहता हूं वो जरूर बोलूंगा। आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोगों के बहुत अच्छे संपर्क हैं, फॉलोअर हैं, सब कुछ है। आप लोग सब बैठकर कम से कम, मैं हर जगह ये बात जरूर बोल रहा हूं कि अपना प्रतिनिधि मंडल बनाकर, हम लोगों की बात कोई नहीं सुनेगा। नूह के अंदर बहन बेटियों के बचाव में 4-5 हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल कर दिया जाता है। हिंदू समाज ने क्या इकट्ठा करके दिया उससे मतलब नहीं है, करोड़ों दिया अरबों दिया, वो उसकी अपनी अनुमति है। अपने समाज के बलिदान पर, अपने समाज की रक्षा करने वाले के लिए वो क्या नौछावर करता है उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उस सरकार से अपने लोगों को क्या सहयोग दिलाया जिसको हम टैक्स देते हैं, जिसके लिए हम 24 घंटे सोशल मीडिया पर गाली देते हैं और गाली सुनते हैं उसकी सत्ता बनवाने के लिए। योगी जी स्टाइल में नूह के अंदर बुलडोजर चला, लेकिन अगले दिन ही चाहे उनके प्रतिनिधिमंडल ने किसके पैर पकड़े, किसको धमकियां दी पता नहीं, लेकिन बुलडोजर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिनिधिमंडल मजबूत है। हम हिंदुओं के 3 लाख से ज्यादा संगठन होने के बावजूद भी आज तक एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल हम वो नहीं बना पाए जो एक छोटे से थाने के एसएचओ से जाकर सामने बात कर ले। एक संगठन वाला व्यक्ति बोले के एसएचओ साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरे आपके क्षेत्र में हमारी एक हिंदू बहन बेटी का बलात्कार हो गया है, हमारी एक बहन बेटी लव जिहाद में फंस गई है, हमारे एक हिंदू का कत्ल हो गया है, तो वो एसएचओ साहब कैसे मिलेंगे? आप सोच सकते हैं वो कहेंगे हाँ ठीक है मैं अभी कोर्ट में आऊंगा और आप जो है वहां आ जाना, मैं देखता हूं किस समय मिलूंगा। लेकिन अगर वही 20 संगठनों का प्रतिनिधि मंडल खड़ा होकर बोले कि हम 20 संगठनों का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है, तो वही एसएचओ साहब स्पेशल टाइम भी देंगे और चाय की व्यवस्था पहले करके रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 20 संगठनों का प्रतिनिधि मंडल आकर मिलेगा मेरे से। लेकिन क्या हमारे पास वो प्रतिनिधि मंडल है? नहीं है। हम बोलेंगे हिंदू जाग जाओ, चलो भाई जाग गया, जाग के क्या किया, 2 बार सत्ता लाकर दे दी, 3री बार के लिए भी तैयारी है। हिंदुओं को बोला भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, कहां लड़े, कौन सा मैदान है वो पता ही नहीं है। जो हमारे नेतृत्व करने वाले बड़े लोग हैं, हम बच्चे बोलते हैं कई बार क्योंकि ग्राउंड पे रहते हैं, सब बच्चों के साथ बैठते हैं, वो बोलते हैं भैया जो हमें सारे दिन बोलते हैं कि एक हो जाओ एक हो जाओ, एक बार कभी हमने आज तक उनको इकट्ठे बैठा नहीं देखा।
एक बार कम से कम वो भी बैठ के मीटिंग कर ले। ये मैं यहां पर इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि आप सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और ये चिंता ना हमारे पास से आप तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं बहुत सारे संगठन वालों के पास गया भी बीच में, मैंने हाथ जोड़ जोड़कर बोला, खुद जाता था सुबह सुबह निकलकर, मैंने बोला यार एक प्रतिनिधि मंडल बनाते हैं सब लोग भाई आके एक बार बैठ जाओ साथ। वो सब बोले कि हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने माहौल अच्छा बनाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों का नाम लेकर फोटो डालकर मैंने बोला, मैंने कहा ये लोग प्रतिनिधि मंडल बनाने के लिए तैयार हैं, सारे हिंदू संगठन एक होने के लिए तैयार हैं, आप आओ। और आप जानकर हैरत में रह जाएंगे, वही संगठन वाले उस पोस्ट पर आकर लाइक तक नहीं करके जा रहे। बात लाइक की नहीं है, बात यह है कि हम सारे दिन हिंदुओं को बोलेंगे कि एक हो जाओ, लेकिन हम खुद एक नहीं होना चाहते, ऐसे कैसे काम चल जाएगा। तो हमारे में और उस समय लड़ने वाले राजाओं में क्या फर्क रह गया जिनको हम सारे दिन कोस रहे हैं कि वो लोग आखिरकार एक होकर लड़े क्यों नहीं। और हम ना अपने इतिहास से सीख रहे, इतिहास बता रहे हैं इतिहास सुन रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे, लेकिन अपने फॉलोअर अपने चंदे अपनी जान पहचान किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते भाई? अगर रोजगार है तो मत कीजिए, लेकिन अगर वास्तव में ही राष्ट्र का धर्म का और समाज का चिंतन है तो इस मोह को त्यागना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा एक दो साल चार पांच साल इस वैचारिक आतंक से बच सकते हो कम ज्यादा। यहां जो जागरूक हैं जो इस पर बोलते हैं उनकी कल को कैसे भी हत्या कर दी जाती है, कम से कम उनके परिवार को उनको उनके साथियों को यह तो पता है ना कि उसकी हत्या क्यों की गई है, लेकिन उनका क्या करोगे जिनको यही नहीं पता कि हमको कब क्यों मारा गया था चाकू, क्यों हमारी बहन का बलात्कार किया गया, क्यों हमारी बहन को लफ्ज याद में फंसाया गया। तो हमारे को इन सब चिंतनों के साथ साथ आप लोगों से सबसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बार बहुत आप लोग सब लोग बैठे हैं, आप हर चीज में सक्षम है, आप लोगों के बोलने पर लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, आप लोगों के बोलने से लोग तैयार भी हो गए हैं। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी मैं बताता हूं आपके कहने के अनुसार ही तीन लोग तो मेरे बिल्कुल नजर में, आज सागर मलिक आया भी है, मैं सागर भाई एक मिनट खड़े हो जाएंगे जरा, गुरुजी को सुन सुनकर गुरु सागर भाई की 18-19 साल की बेटी है और इस उम्र में लोग अपने बच्चों को जन्म नहीं देते, शर्मा से मर रहे हैं लोग। आज भी हमारे लोग बोल रहे हैं यार कैसी कैसी बातें करते हैं यति जी, ज्यादा बच्चे पैदा करो ज्यादा बच्चे पैदा करो, जब संख्या नहीं होगी तो लड़ोगे कैसे, अकेले कैसे लड़ लोगे। इस भाई ने 18-19 साल की उम्र में बेटे को, अभी चौथा बेटा बच्चा हुआ है इनका, और भी लोग हैं। कहने का मतलब है कि जब राष्ट्र का सच में चिंतन होता है ना तो अपने आत्मसम्मान की, कोई क्या बोलेगा कोई क्या कहेगा क्या कोई सुनेगा उसको ना आदमी सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ ये करता है यार मेरा तो ये योगदान है मैं अपना योगदान दूंगा दूंगा। तो हम अब ये चाहते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं नीचे ग्राउंड वालों को हम इकट्ठा करके ले आएंगे, लेकिन आप सब लोग प्रबुद्ध लोग जितने भी हैं कम से कम हिंदुओं की एक छाता बनकर एक प्रतिनिधि मंडल का निर्माण कर दीजिए। आपसे बिल्कुल नहीं चाहिए रोड पर उतर के आना है आपको, आपको तो जब भी कहीं पर हमारा नुकसान हो वहां के SHO से लेकर वहां के विधायक और सांसद तक को खटखटाना है कि भाई ये हो कैसे गया तेरे क्षेत्र में। अगर हमारा व्यक्ति इस तरीके से अपमानित होगा या उसका कत्ल किया जाएगा तो भाई कैसे चलेगा, फिर तुम लोग बोलते हो माहौल खराब कर दिया। अपनी पीड़ा और शत्रु के बारे में बताना भारत के अंदर हेट स्पीच हो गया है और फिर झेल जाएगा वो, और वही नेता अगर इस बात को बोलते हैं तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होता क्योंकि वो तो देश की बात बता रहे हैं। अब देश है किससे, देश तो समाज से ही है ना, यहां पर खड़े होकर समाज की बात बता रहे हैं आप, देश को समाज में नहीं गिन रही आपकी गलती है। तो यहां पर आज हमको ये जो अरब के जो अक्रांता है और जो उनकी आज यहां पर संतानें घूम रही हैं हमारा रक्त पीने के लिए, बलात्कार हत्या और हमारा सब कुछ छीनने के लिए, उनसे लड़ने के लिए तो लोग तैयार हैं, लेकिन उसका छाता बनने के लिए आप सभी लोगों को
आगे आना पड़ेगा और अपना इतना दायित्व निभाना पड़ेगा। लास्ट में फिर वही बात जो हर जगह बोलना पड़ रहा है, ऐसे किसी संगठन ऐसे किसी व्यक्ति से ना जुड़े। जब आप फंस जाएं तो सबसे पहले अपना नोटिस जारी कर दे कि भाई हमारा तो इससे मतलब ही नहीं था, चाहे वो कोई भी हो। आप गली के कोने के नुक्कड़ के बदमाश से जुड़ जाओ। एक बहुत अच्छा शब्द बोला जाता है कि आप जो है ना दिलेर जो होते हैं ना, दिलेर के कुत्ते बन के रह लो, लेकिन कायर के यहां मालिक बन के रहना भी बेकार है। कम से कम उसको पता तो है ना कि मैं जिसके गेट पे खड़ा होकर भौंक रहा हूं कोई छेड़ेगा नहीं मुझे। तो आज दिलेरों को उन लोगों के साथ जुड़ जाओ जो छोटे मोटे लोग हैं, अपने साथ के जो छोटे छोटे दल है लड़कों के, 20-25 लड़कों के, उनका संरक्षण चालू कर दीजिए। उनके ज्यादा उनकी उम्मीदें नहीं आपसे, कोई भी नहीं बोलेंगे मेरे घर राशन लेके आ जाओ या मेरी कोई बहुत बड़ी जरूरत है पूरी कर दो। उनकी बहुत छोटी सी एक ये आवश्यकता है कि जिस दिन वो बेचारा थाने में जाए ना, उसे तो थाने में आपको ये भी नहीं कह रहा हूं मुझे थाने से निकाल के ले जाओ, वो ये कहता है कि अगर राष्ट्र के लिए धर्म के लिए मैं लड़ाऊं ना, बस एक बार मेरे सामने खड़े होकर ये बोल दो कि हाँ तेरी लड़ाई में हम तेरे सामने खड़े हैं, जैसी भी स्थिति में हम होंगे तेरा साथ देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका कि आप हम जैसे लोगों को यहाँ पर मंच दे रहे हैं, उसके लिए सभी का धन्यवाद।